हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, वो भी सिर्फ मोबाइल में यूजिंग फ्लिपकार्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, फ्लिपकार्ट में एनिमेशन करना थोड़ा दिक्कत की बात तो है, बिलीव मी। थोड़ा ड्राइंग स्किल्स और पेशेंस लगाने के बाद आप भी बहुत अच्छा एनिमेशन वीडियो बना पाओ। इस वॉक साइकिल पे मत जाओ, ये तो मैंने रफली बनाया है। तो चलो मोबाइल पर टूट पड़ते हैं। तो गाइस, ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा। हमें सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट को नेम कर देना है, हम टेस्ट नाम दे देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो या फिर आपका कस्टम बैकग्राउंड लगा सकते हो। या फिर आप कोई भी कलर बैकग्राउंड चूज कर सकते हो। चलिए मैं अभी पेपर वाला बैकग्राउंड लूँगा। यहाँ पर आप एफपीएस रेट कर सकते हो, मैं 12 रखूँगा, 12 परफेक्ट होता है। यहाँ पर आप क्वालिटी भी सेट कर सकते हो। मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, यूट्यूब के लिए 720p रखा है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक टूल समझा देता हूँ। टूल्स में आपको एक पेंसिल, ब्रश और पेन और मार्कर मिलेगा। इसे हम निब बड़ा या छोटा कर सकते हो, छोटा कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ कलर भी डाल सकते हैं या फिर कलर को शेड डाउन या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें एनिमेशन करने के लिए पहले तो यहाँ पर मिलेगा लेयर। हम दो लेयर लेंगे, एक लेयर में हम रफ एनिमेशन बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम ट्रेस करेंगे मेन एनिमेशन। तो चलिए एनिमेशन करते हैं। उससे पहले ये है कॉपी और ये है पेस्ट, ये है बैक जाने वाला, ये है फॉरवर्ड जाने वाला। और यहाँ आपको फ्रेम व्यूअर्स में आप कोई भी फ्रेम को कंट्रोल कर सकते हो या फिर कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलेंगी, आप अगर आपको कोई भी चेंज करना हो तो उतना है। आप ऐड इमेज भी कर सकते हो और आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको एनिमेशन में दिक्कत होती है तो आप ग्रिड ऑन कर लो, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए एनिमेशन शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम एनिमेशन रफ स्केच एनिमेशन शुरू करते हैं। थोड़ा निब को बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। पहले तो हम एक रफ एनिमेशन बना देते हैं जिसमें सर होगा और ये हाथ है, ये हाथ थोड़ा आगे आएगा। आप थोड़ा अपना ड्राइंग स्किल्स लगा लीजिए, बहुत अच्छा आएगा एनिमेशन। यार ये मिसअप हो रहा है, एडजस्ट कर लेंगे। जब तक अच्छा ड्राइंग नहीं आएगा हम रीट्राई करते रहेंगे। अभी ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए हम इसके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए कटर से कट करके एडजस्ट कर लेंगे। ये तभी थोड़ा मेसअप हो गया है, इसके हाथ को भी एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम टेल ड्राइव करेंगे पैर। यहाँ पे एक छोटा पैर,
छोटा नहीं, वो पैर पीछे गया है इसलिए वो छोटा लगेगा। अभी हम इसे एडजस्ट करने के लिए ऐसे कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट फ्रेम को ड्रा करेंगे। नेक्स्ट फ्रेम को आप ये ऑनियन स्किन ऑन रख लेना, जिससे क्या पता चलेगा आपको नेक्स्ट फ्रेम आपको कैसे ड्रा करना है ये पता चलेगा। सॉरी गाइस, मेरा हिंदी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, मैं साउथ इंडियन से हूँ इसलिए एसेंट उतना अच्छा नहीं है, या थोड़ा इधर जाएगा। और बैकग्राउंड नॉइस भी बहुत ही है, कुछ नहीं कर सकता, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ नॉइस है। और ये पैर थोड़ा आगे आएगा, और ये हाथ थोड़ा ऐसे। आपको लग रहा हो कि ये अच्छा नहीं है, पर ब्रीम में अच्छा आएगा। अगर थोड़ा भी गलत हो तो रीड्रॉ कर दीजिएगा, जब तक अच्छा है ड्रॉ करते रहिएगा, आएगा ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये हाथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अभी ठीक लग रहा है मुझे तो, ये हाथ का थोड़ा मेसअप है। हम शेड को कंट्रोल करने के लिए हाथ ठीक से ड्रॉ करेंगे। अब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, मैंने अभी भी थोड़ा मैसअप हूँ, जब तक नहीं आएगा करेंगे। अभी मुझे ठीक लग रहा है। अब हम नेक्स्ट फ्रेम को ड्रॉ करेंगे। देखिए अभी नेक्स्ट फ्रेम ऐसा ही मिरर होगा, यानी कि लेफ्ट पैर आगे आएगा, इसलिए एक और ड्रॉ करने से बेहतर है कि आप इसी ड्राइंग को कट करके कॉपी करके उस फ्रेम में डाल के उसे उल्टा कर दीजिएगा। इतना है। देखिए एक परफेक्ट लूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जिस पोजीशन में हमने ड्रॉ स्टार्ट किया था उसके पिछले वाले पोजीशन तक हमें ड्रॉ करना होगा। अभी दिखाता हूँ, इस ऐप में तो सोर्स बहुत ही अच्छे हैं, एक मोबाइल में एनिमेशन बनाने के लिए काफ़ी है। ये पैर थोड़ा पीछे, ये पैर थोड़ा आगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैसअप हो गया, अभी हम एक और फ्रेम ड्रॉ करेंगे जिसमें ये हाथ इधर और ये हाथ। ठीक है ठीक है,
ये हाथ इधर, और ये पैर थोड़ा और पीछे जाएगा, और ये पैर थोड़ा और आगे आएगा, अभी देखिए एनिमेशन हो गया, रफ एनिमेशन। हमें एक लग रहा है कि एक रन लूप मिल गया, अभी हम इसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे, तो चलिए करते हैं। मैं स्केचिंग करने का फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ध्यान रहे आपको लेयर 2 पे स्केचिंग करना है, लेयर 1 पे नहीं। एक बार स्केचिंग करने के बाद दो एक लेयर को ऑफ करके आप ड्राइंग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना। तो एनिमेशन होने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा वो। तो आपको एनिमेशन कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम एक इफेक्ट बना लेते हैं जिससे कि लगेगा ये भाग रहा है। मुझे ठीक लग रहा है ये अभी। आप चाहो तो आप कलरिंग कर सकते हो। अगर आपको कलर करना है तो आपको देखना होगा, ऐसा कोई भी गैप नहीं छूटना होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप अगर कलर बाहर आ जाए तो ऐसा गैप रहना होगा, होता है, आप उसे फिल कर दीजिएगा।
मान लीजिए कि एनिमेशन हमें थोड़े सेकंड के लिए चाहिए, मींस हमें थोड़ा ये 5 सेकंड 10 सेकंड चाहिए, हम इस पूरे 6 फ्रेम को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया, वैसे ही एक 10 पर करेंगे, 3 4 5 6 8 9 10। अब हमारे पास हो गए हैं टोटल 72 फ्रेम्स। ये हमारे पास 5 सेकंड का एनिमेशन हो गया भागने वाला। अभी देखिए, ये 5 सेकंड वाला एनिमेशन है। अभी हम इसे मेक मूवी पर डाल देते हैं। मेक मूवी, आप देख सकते हैं कि ये 5 सेकंड का एनिमेशन हमारा बन गया है। अच्छा तो नहीं बना, पर ठीक है, चल जाएगा ना। फिंगर से बना है, अगर आपके पास स्टाइलस पेन हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं स्टोरी टेलिंग एनिमेशन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।